हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार, ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है साथियों, ईस्ट इंडिया रेलवे। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा पहली यात्री ट्रेन कोलकाता से हुगली के बीच में चलाई गई। खास बात यह है कि यह आधिकारिक नहीं मानी जाती है, पहली आधिकारिक यात्री ट्रेन वर्ष 1855 में चलाया गया। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, अरविंद घोष। ध्यान है साथियों, अरविंद घोष भारत के महान लेखक और दार्शनिक रहे हैं। आज ही की तारीख 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष जी का जन्म हुआ था। ये भारत के महान दार्शनिक और लेखकों में गिने जाते हैं। लेखन से पहले और दर्शन के क्षेत्र में जाने से पहले ये देश के महान क्रांतिकारी के रूप में भी याद किए जाते हैं, और अरविंद घोष के द्वारा ही पुडुचेरी में एक महत्वपूर्ण आश्रम की स्थापना की गई, जिसे अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, रामकृष्ण परमहंस। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 15 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का ही नाम गदाधर चटर्जी भी था, और सबसे खास बात है कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, इंडियन बैंक। ध्यान है साथियों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1907 आज ही की तारीख 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना हुई। इंडियन बैंक का साथियों हेडक्वार्टर मद्रास चेन्नई में है। वर्ष 1969 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, प्राण कुमार शर्मा एक कार्टूनिस्ट है, भारत के महान कार्टूनिस्टों में गिने जाते हैं। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 15 अगस्त 1938 को प्राण कुमार शर्मा का जन्म हुआ था। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे साथियों, तो कार्टूनिस्ट है। और सबसे खास बात है कि भारतीय कार्टून के इतिहास में सबसे मशहूर कैरेक्टर चाचा चौधरी और साबू का कैरेक्टर इनके द्वारा ही बनाया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस। ध्यान रहेगा साथियों, आज ही की तारीख 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। याद रखिए, भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था। ध्यान रहे कि 15 अगस्त 1947 का दिन आने से पूर्व भारत के कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश दासता के बाद हमें आजादी मिली। यह काफी महत्वपूर्ण दिवस है और हम भारतीयों के लिए काफी गौरव का क्षण है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रहे कि आज ही की तारीख 15 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायदे आजम भी कहा जाता है, कराची में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को ही माना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 15 अगस्त 2008 को संसद भवन परिसर में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के महान शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज ही की तारीख पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किया था। चलते हैं साथियों आज के पहले करेंट अफेयर्स की ओर। आज का पहला करेंट अफेयर्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है।
ध्यान है साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग रिकॉर्ड आज कायम कर दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड यह बनाया है कि भारत में सबसे लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहा है नरेंद्र मोदी से पहले, तो वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब वे भारत में सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे। याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जिनका संबंध बीजेपी से ही है, ये 2268 दिनों तक पीएम रहे भारत के, और नरेंद्र मोदी जी याद रखेंगे इन्होंने अटल जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब वो 2269 दिन, मतलब इनसे एक दिन ज्यादा हो गए। अभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल अभी ऑलरेडी 4 वर्षों तक है, तो याद रखेंगे आज इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी दर्ज हो गए। एक इतिहास इन्होंने बनाया कि लगातार 2 बार वो पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने और अब रिकॉर्ड बनाया कि अपने ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। ध्यान है साथियों एक खास बात और है, क्योंकि आज 15 अगस्त का शुभ अवसर है, तो यह भी बताना जरूरी है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में सबसे ज्यादा एज ए प्राइम मिनिस्टर तिरंगा झंडा फहराया। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा बार 17 बार जो तिरंगा झंडा वो भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने 17 बार तिरंगा झंडा फहराया, जबकि उनकी सुपुत्री जो रही इंदिरा गांधी उन्होंने 16 बार तिरंगा झंडा फहराया। एज ए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने फहराया, उसके बाद 10 बार एज ए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 बार तिरंगा झंडा फहराया, और सात सात बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो याद रखेंगे इनका नाम, इन चारों लोगों का नाम आपको अवश्य याद रखना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बार झंडा किसने फहराया। याद रखेंगे भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कोई और नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया कि वो पहले गैर कांग्रेसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। हमारा अगला टॉपिक है साथियों फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का जो शुभारंभ है आज 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो रहा है और यह 2 अक्टूबर तक याद रखेंगे चलेगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन देश के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जो देश के युवा एवं खेल मंत्री हैं कोई और नहीं है, किरण रिजिजू जी हैं। याद रखेंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन से पहले फिट इंडिया मूवमेंट की भारत में शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई साथियों, तो 29 अगस्त 2019 को जब भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। याद रखेंगे तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुआ था, परंतु ये फिट इंडिया फ्रीडम रन है साथियों और इसका जो प्रारंभ है 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक गांधी जी के जयंती तक इसे कार्यक्रम को लगातार चलाया जाएगा और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। हमारा तीसरा जो टॉपिक है साथियों नशा मुक्त भारत अभियान। याद रखेंगे नशा मुक्त भारत अभियान का भी जो प्रारंभ है वो आज ही, याद रखेंगे नशा मुक्त भारत अभियान का भी जो स्टार्टिंग है आज ही किया जा रहा है, 15 अगस्त 2020 से किया जा रहा है और ये 7 महीनों तक चलेगा। कब तक चलेगा साथियों, 7 महीनों तक चलेगा और मार्च 2021 में इसका समापन होगा। याद रखें नशा मुक्त भारत अभियान का जो आयोजन है वो याद रखेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कौन से मंत्रालय द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके
जो मंत्री है उनका नाम है साथियों थावर चंद्र गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद्र गहलोत जो है देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। ध्यान रखेंगे कि नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो रहा है, यह 7 महीनों तक चलेगा, मार्च 2021 में इसका समापन होगा और इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। इसका जो मूल मकसद है साथियों कि भारत में सबसे ज्यादा अगर नशा कोई करता है तो वो युवा वर्ग ही करता है, तो उन युवा वर्गों को नशा से मुक्त, नशा से दूर करने के लिए यह एक पहल है। और याद रखेंगे इस पहल के अंतर्गत विशेष रूप से देश के 272 जिलों को इसमें शामिल किया गया है जहां पर नशे की समस्या ज्यादा गंभीर है। याद होगा आप लोगों को पंजाब में के समय एक फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब में नशे की हालत को दर्शाया गया था। तो याद रखेंगे आज के युवाओं को नशे से दूर करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है साथियों अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना याद रखेंगे इसका आयोजन जो है इसे असम राज्य सरकार द्वारा, याद रखेंगे किस राज्य सरकार के द्वारा, असम राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत खासियत यह है साथियों कि प्रत्येक माह, याद रखें प्रत्येक माह प्रत्येक परिवार को 830 रुपए, कितने रुपए साथियों, तो 830 रुपए प्रत्येक माह प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, प्रत्येक माह प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा ताकि जो अब उसकी न्यूनतम जरूरतें हैं वो उसका परिवार पूरा कर सके। पर तो इस योजना की खासियत है कि अरुणोदय योजना का लाभान्वित वही होंगे जो असम के मूल निवासी हो और जो असम में रह रहे हो। याद रखेंगे जो असम के मूल निवासी हो और असम में रह रहे हैं वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। याद रखेंगे इस योजना का मूल मकसद यह है कि जो वर्तमान की स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां देश की, राज्यों की गड़बड़ाई हुई उसे सुधारा जा सके और न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक विशेष क्लॉज इसमें यह भी रखा गया है कि यह जो पैसा है वो महिला खाता धारक के खाते में ही होगा और इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते तक पहुंचाया जाएगा, पुरुष खाते धारक के खाते में यह पैसा नहीं भेजा जाएगा। याद रखेंगे कि अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य सरकार द्वारा। असम के वर्तमान में जो सीएम है साथियों सर्वानंद सोनेवाल है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों किसान ऋण माफी योजना। याद है किसान ऋण माफी योजना भी आज ही की तारीख 15 अगस्त 2020 से झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। झारखंड राज्य सरकार ने अपने यहाँ एक विशेष बजट के अंतर्गत 2000 रुपए का बजट तैयार किया है जिसमें जो किसान हैं, जो काफी परेशान हैं, उन्हें ऋण माफी दिया जाएगा ताकि किसान अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके और अपने परिवार को चला सके। याद रखेंगे झारखंड भारत का एक विशेष राज्य है और झारखंड जो राज्य है वो बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। वर्तमान में झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन है और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन और क्या आरजेडी मिलकर के सरकार चला रही है। याद रखेंगे और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों देशभक्ति दिवस। याद रखेंगे देशभक्ति दिवस यह प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखेंगे जो 13 अगस्त को इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य यह है कि 13 अगस्त 1891 को एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जो मणिपुर राज्य के लोगों ने एक विशेष और वीरता का परिचय दिया था उसे याद रखने के लिए मणिपुर राज्य सरकारों के द्वारा देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी साथियों इम्फाल है। वर्तमान में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह है और वर्तमान में मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। याद रखेंगे देशभक्ति दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है एंग्लो मणिपुर युद्ध के याद में। हमारा अगला पॉइंट है साथियों खाजे हर्बलबेड और मिंदोली केले। याद रखेंगे ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं इन तीनों प्रोडक्ट का संबंध गोवा से है। किस राज्य से साथियों?
गोवा से है। इन तीनों प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग जिसे हम लोग कहते हैं भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, याद रखेंगे जीआई टैग अभी हाल में इन तीनों को प्राप्त हुआ है। गोवा भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। गोवा के वर्तमान में सीएम प्रमोद सावंत जी है और याद रखेंगे गोवा भारत का एक पश्चिमी राज्य है जो जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है। गोवा की राजधानी साथियों पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों इजराइल, याद रखेंगे इजराइल एशिया का ही प्रमुख राष्ट्र है। अभी हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच में संबंध स्थापित हुआ, याद रखेंगे इजराइल तथा यूएई के बीच समझौता हुआ है याद रखेंगे अरब जगत का पहला ऐसा देश होगा यूएई जिसका बीच में इजराइल और यूएई के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ध्यान रखेंगे इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं के विशेष योगदान के कारण इजराइल और यूएई के बीच में एक समझौता हुआ है। याद रखें यूएई की राजधानी साथियों अबू धाबी है और यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है और काफी उन्नतशील राष्ट्र है साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। खास बात है कि वर्तमान दौर में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भी कई प्रकार के साइबर अपराध देखने को मिल रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम भी हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य देश में वर्चुअल अदालतों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला टॉपिक है साथियों लेबनान। हाल के एक महीनों के भीतर लेबनान लगातार सुर्खियों में है। खास बात यह है कि लेबनान के बेरूत में, याद रखेंगे लेबनान के बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के कारण कई लोग मारे गए, काफी शहर को नुकसान भी हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वहां की सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वर्तमान में खास बात है कि लेबनान में आपातकाल की घोषणा की गई है। याद रखेंगे लेबनान में अगस्त माह में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लेबनान की राजधानी साथियों बेरूत है और याद रखेंगे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विस्फोट के कारण बेरूत में यह भयंकर दुर्घटना हुआ, तो याद रखेंगे अमोनियम नाइट्रेट। हमारा अगला पॉइंट है साथियों गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है और काफी प्रमुख राज्य है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या प्रदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, ये दोनों का संबंध गुजरात राज्य से ही है। याद रखें गुजरात की सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सुषमा स्वराज तथा अरुण जेटली जो दोनों लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, इन दोनों लोगों के नामों पर अहमदाबाद में दो फ्लाईओवर के नाम इन दोनों राजनेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। आपको बता दें साथियों सुषमा स्वराज बीजेपी के पहले कार्यकाल में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सरकार में चुन के आए तो भारत की विदेश मंत्री रही और अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। उसके अलावा अरुण जेटली, याद रखेंगे ये संकट मोचक की भूमिका में रहे बीजेपी में और ये भारत के वित्त मंत्री रहे, दोनों लोगों का स्वर्गवास हो चुका है। याद रखें अहमदाबाद में दो फ्लाईओवर का नाम, एक का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर, दूसरे का नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा जा रहा है। याद रखें गुजरात राज्य, वर्तमान में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों नाइजीरिया।
नाइजीरिया साथियों एक अफ्रीकी राष्ट्र है। नाइजीरिया क्या है साथियों? अफ्रीकी राष्ट्र है और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या साथियों? अबूजा है। खास बात यह है कि भारत ने नाइजीरिया के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए, याद रखेंगे, अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौता किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत नाइजीरिया को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा। उसे वहां के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम को डेवलप करने में भारत सरकार नाइजीरिया का विशेष सहयोग करेगा। आपको बता दें साथियों, नाइजीरिया और एक अलग राष्ट्र जिसका नाम है नाइजर, नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जबकि नाइजीरिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे। हाल की खास बात क्या है कि भारत और नाइजीरिया के बीच में अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम के लिए आपस में दोनों देशों में क्या है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। याद रखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष, याद रखेंगे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एस एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे एस एस मुंद्रा जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और खास बात है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, प्रशांत भूषण साथियों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और खास बात है कि इनके ऊपर न्यायालय की अवमानना का मामला चल रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है और उसमें 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको बता दें साथियों कि न्यायालय की अवमानना क्या होती है, याद रखेंगे न्यायालय की जो अवमानना होते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। याद रखिए सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में यह होता है कि न्यायालय के निर्देशों या निर्णयों के खिलाफ अगर कोई कार्य करते हैं या न्यायालय की कार्यवाही में आप बाधा डालते हैं तो यह सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहलाता है, जबकि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यह होता है जब न्यायालय की गरिमा को आप क्षति पहुंचाते हैं तो इसे क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहा जाता है। और न्यायालय की अवमानना के लिए 6 माह तक के कारावास और आर्थिक रूप से जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। याद रखें न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत ये सारी व्यवस्था है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण है अभी हाल ही में एक ट्वीट की वजह से ये क्या है, इन पर न्यायालय ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज किया है। खास बात है कि वर्तमान में जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े जी हार्ले डेविडसन नामक एक गाड़ी बाइक जो है उसको वो मतलब कि चला रहे थे और उनके फोटो को देख करके सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रशांत भूषण जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया, दो ट्वीट किए और इन ट्वीट की वजह से न्यायालय को ऐसा लगा कि यह न्यायालय की अवमानना का मामला है, इसलिए इन पर न्यायालय की अवमानना का मामला चला है और ये इनके ऊपर 20 अगस्त को निर्णय दिया जाएगा। तो याद रखिए सभी लोग कि न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 है और न्यायालय की अवमानना दो प्रकार के होते हैं, सिविल अवमानना और एक होते हैं क्रिमिनल अवमानना। सिविल अवमानना के अंतर्गत न्यायालय के आदेशों निर्देशों या न्यायालय के कार्य में रुकावट पैदा करते हैं तो ये सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। और जबकि न्यायालय, याद रखेंगे, जब न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो वो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है जिसमें 6 माह तक की सजा का प्रावधान। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण है ये आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, तो 20 अगस्त को इन पर निर्णय होने वाला है, याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, विश्व अंगदान दिवस साथियों 13 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस के पीछे साथियों मूल मकसद यह होता है कि लोगों को ह्यूमन ऑर्गन डोनेट करने की बात कही जाए, क्योंकि याद रखेंगे
मरने के बावजूद भी हमारे शरीर के जो कुछ अंग होते हैं कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं, और इन अंगों को अगर दूसरे को हम डोनेट करते हैं तो इससे कई लोगों की जिंदगी बच सकती है या कई लोगों को फिर से नई दुनिया में जीवन मिल सकता है। तो चूंकि भारत को तो बात छोड़िए, भारत में अंग दान की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी है, परंतु तो यूरोप और अन्य देशों में काफी बेहतर चल रहा है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए लोगों को आगे लाने के लिए। विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत माता।